क्या आपने कभी पिस्टल वाले बाबा देखे हैं? नहीं तो चलिए आज हम आपको इस खास पेशकश में एक ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जो सिर्फ बाबा ही नहीं बल्कि देश के खुफिया एजेंट में से एक रहे हैं। आपने फिल्मों या वेब सीरीज में जासूसों या ये कहें कि एजेंट के किरदार में बहुत से रोमांचित लोगों को देखा होगा। इसका कारण भी बड़ा सिंपल सा है। आपने देखा होगा जासूसों को काफी स्टाइलिश और तेज तर्रार। क्या आप व्योमकेश बख्शी को भूल पाए हैं? नहीं ना। आज की कहानी फिल्में या टीवी सीरियल से एकदम अलग है। हम आपको आज जिस जासूस के बारे में बताने जा रहे हैं वो इन फेमस किरदारों से काफी अलग थे। नाम है स्वामी प्रणवानंद। स्वामी प्रणवानंद ने अपने कौशल से देश को हिमालय सीमा के पास चीन और पाकिस्तान से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही हिमालय क्षेत्र की कई अबुझ पहेलियों को सुलझाया और वहां किए गए उनके प्रमाणिक शोध को भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी स्वीकार किया, उसे मान्यता दी। महानायक को भारतीय इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। स्वामी प्रणवानंद का जन्म 1896 में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के छोटे से गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम कनक डंडी वेंकट सोमयाजुलू था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में दाखिला लिया। अब इसे सरकारी इस्लामिया कॉलेज के रूप में जाना जाता है। कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लाहौर में ही एक रेलवे के अकाउंटेंट ऑफिस में काम करने लगे। कनक डंडी बाद में 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। 1926 तक आंध्र प्रदेश के अपने जिले पश्चिमी गोदावरी में कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता बने रहे। उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब वो स्वामी ज्ञानानंद से मिले। स्वामी ज्ञानानंद उस दौर में भारत के प्रमुख परमाणु भौतिक शास्त्र में से एक थे। स्वामी ज्ञानानंद से ही उन्हें हिमालय के बारे में जानकारी मिली और उनका रुझान उस क्षेत्र को जानने को हुआ। ऋषिकेश में उन्हें नया नाम मिला और वो स्वामी प्रणवानंद कहलाए। प्रणवानंद ने अपनी पहली हिमालय यात्रा 1928 में की। इस दौरान वो कश्मीर और कैलाश मानसरोवर क्षेत्र गए। इसके बाद 1935 से लेकर 1950 तक हर साल वहां जाते रहे। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने खनिज विज्ञान, भूविज्ञान, जलवायु, पक्षी विज्ञान जैसी विविध विषयों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने क्षेत्र की हाइड्रोग्राफी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रणवानंद ने ही बताया कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाल नदियों के अलग अलग उद्गम स्थल हैं। इससे पहले लोगों का मानना था कि ये सभी कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से ही उत्पन्न होती हैं। उनके निष्कर्षों को 1941 के बाद से सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी मानचित्रों में शामिल किया। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रणवानंद की सक्रियता और ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में उनके मौलिक शोध को भारत सरकार ने मान्यता दी और भारत की आज़ादी के बाद उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलने लगी। स्वामी प्रणवानंद ने 1950 और 1954 के बीच कैलाश मानसरोवर क्षेत्र का दौरा जारी रखा, जबकि क्षेत्र माओ के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट चीन की सेना के कब्जे में आ गया था। माना जाता है कि वो एक गुप्त एजेंट के रूप में भारत के लिए काम कर रहे थे। इस दूरस्थ क्षेत्र में चीनी सैनिक उपस्थिति के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान करने के अलावा स्वामी प्रणवानंद ने पाकिस्तान की जासूसी गतिविधियों और पश्चिमी देशों से संबंध ईसाई मिशनरी एजेंटों के बारे में लगभग 4000 पृष्ठों की जानकारी भी इकट्ठा की है। कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र लुटेरों के लिए कुख्यात था। उन्हें डराने के लिए स्वामी प्रणवानंद हमेशा अपने पास 0.25 बोर की रिवॉल्वर रखते थे। बाद में उन्हें 0.30 माउजर पिस्टल रखना शुरू कर दिया। इन्हें हालांकि उन्होंने चीन के साथ 1962 के युद्ध के दौरान रक्षा कोष में दान कर दिया। माना जाता है कि चीनी खुफिया एजेंटों को उनके बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वो 1955 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले आ गए। स्वामी प्रणवानंद को 1976 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1980 में अपने राज्य आंध्र प्रदेश वापस चले गए। अपने छोटे से गाँव में एक मंदिर बनवाया। 1989 में हैदराबाद में 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उम्मीद है ये खास पेशकश आपको ज़रूर पसंद आएगी।